डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन, दैट इज वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। तो इससे पहले हमने तीन क्लासिफिकेशन देखे थे, क्या क्या देखे थे? पहला देखा था इनटू ऑन टू फंक्शन, जिसमें हम ऑन टू को सर्जेक्टिव भी बोलते हैं। उसके बाद हमने देखा था इवन ऑड फंक्शन, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था पीरियोडिक एंड नॉन पीरियोडिक फंक्शन। तो ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गया, एंड दिस विल बी अवर लास्ट क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं वन वन फंक्शन से। तो पहले मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ वन वन फंक्शन होता क्या है, उसके बाद हम फॉर्मली इसका डेफिनेशन लिख लेंगे। तो लेट्स से मैंने बोला ये मेरा एक सेट ए है और ये मेरा एक सेट बी है, ठीक है। दिस इज माय सेट ए एंड दिस इज माय सेट बी, एंड फंक्शन इज डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है। इसके अंदर मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूँ, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। इसमें लेट्स से मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूँ, वाई वन, वाई टू एंड वाई थ्री। चलो मैं दो सिनेरियो ले रहा हूं, ठीक है। एक सिनेरियो मेरा हो गया ये फंक्शन ए डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी, और ये मेरा हो गया इधर, चलो मैं तीन एलिमेंट ले रहा हूं, एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री, और एक और एलिमेंट इधर ले रहा हूं वाई फोर, ठीक है। एक्स वन लेट्स से वाई वन पे मैप है, एक्स टू वाई टू पे मैप है, और एक्स थ्री वाई थ्री पे मैप है। इधर भी मैं ऐसे कर रहा हूँ, x1 को y1 पे मैप कर रहा हूँ, x2 को y2 पे मैप कर रहा हूँ, और x3 को y3 पे मैप कर रहा हूँ। वन वन फंक्शन क्या होता है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में क्या बोलूंगा मैं, एक x के लिए एक ही y मिलना चाहिए। मतलब अभी तक क्या हो रहा था हमारा, कि जैसे मैंने क्या बोला था, जब फंक्शन एक्सप्लेन किया था, स्टार्ट किया था, तो मैंने बोला था कि देखो ये तो फंक्शन में वैलिड ही नहीं है, कि मतलब एक x के लिए तुम्हें दो y मिल जाए, दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये तो हमारा हट ही गया, मतलब फंक्शन चैप्टर से हट गया मान लो, मतलब हम इस टाइप का सिनेरियो होगा तो फंक्शन ही नहीं होगा। अब मैं आ रहा हूं वन वन फंक्शन में, क्या बोला उसने, ये भी पॉसिबल नहीं है, मतलब एक्स वन एक्स टू जो है दोनों सेम वाई नहीं देना चाहिए। क्या बोला मैंने, तो इसको क्या बोलूंगा मैं, एक एक्स के लिए एक वाई होगा, क्लियर है बच्चों। अच्छा अब सुनना, अब मैं इसको इमेजेस और प्री इमेजेस के टर्म्स में कैसे डिफाइन करूं, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। एक एक्स के लिए एक वाई मिलना चाहिए, मतलब मेरा ऐसा सिनेरियो होना चाहिए एक्स वन के लिए केवल वाई वन मिले, ठीक है। अच्छा और हमें फंक्शन मेंटेन करने के लिए क्या होना चाहिए, एक तो ए का कोई भी सेट, कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। अच्छा वाई का छूट सकता है क्या, हाँ वाई पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। वो जो वाई का एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए वो तो हमारा किधर था, ऑन टू फंक्शन में था। इधर क्या है, वन वन में उसने इतना कंडीशन देखा है कि एक एक्स के लिए एक वाई होना चाहिए। दिस सिनेरियो इज ऑल्सो, दिस इज नॉट वन वन, दिस इज नॉट वन वन। अब तुम एक बार कोशिश करो वीडियो पॉज करके खुद से डिफाइन करने की वन वन फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ इमेजेस एंड प्री इमेजेस, ठीक है। कैसे बोलूंगा देखना, फंक्शन डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड वन वन इफ, सुनना, ईच एलिमेंट ऑफ रेंज, चलो मैं इसको लिखते भी जाता हूं। मैंने बोला फंक्शन फंक्शन डिफाइन फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम सेट ए, फंक्शन एफ लिख लो, डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है, फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड वन वन, इज कॉल्ड वन वन। वन वन को ऐसे ही बोलते हैं वन टू वन, वन टू वन। और एक और बहुत प्रसिद्ध नाम है इसका, इंजेक्टिव, इंजेक्टिव। तो क्या बोला मैंने, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज कॉल्ड वन वन, वन टू वन, और इंजेक्टिव इफ। अब सुनना मैं, अब मेन डेफिनेशन आएगा, मेन पार्ट आएगा इस डेफिनेशन का। मैंने क्या बोला कि अब हर एक एलिमेंट जो है ना रेंज का, वो एक ही तो मैप होना चाहिए। तो इसको क्या मैं बोलूंगा, इनको प्री इमेजेस बोलता हूं मैं। जैसे मैं एक्स वन को क्या बोलेंगे हम, वाई वन का प्री इमेज, सिमिलरली वाई टू को, एक्स टू को क्या बोलेंगे, वाई टू का प्री इमेज, एक्स थ्री को वाई थ्री का प्री इमेज। तो मैं क्या लिख रहा हूं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज, if each element, if each element of range has exactly one pre-image, मतलब एक से ज्यादा pre-image नहीं होना चाहिए range के हर एक element की। देखो इधर मैंने क्या word use किया, range, ये याद रखना। इधर तुम codomain नहीं कर सकते, codomain नहीं करेंगे हम, ठीक है ना। कोडोमेन क्यों नहीं करेंगे, जैसे मैंने केस इधर ये लिखा है, वायलेट करेगा इधर। जैसे मैंने क्या लिखा है, इधर मैं अगर y4 बोलूं, दैट इज अ पार्ट ऑफ कोडोमेन, बट y4 इज नॉट अ पार्ट ऑफ रेंज। तो और मेरा ये 1 1 है भी सही, तो इसलिए मैंने क्या लिखा, रेंज जो है ना, रेंज उसका हर एक एलिमेंट की एक्जेक्टली एक प्री इमेज होना चाहिए। तो इसको एक बार मन में 10 बार बोल लो,
फंक्शन इज कॉल्ड वन वन इफ हर एक एलिमेंट ऑफ रेंज की एग्जैक्टली एक प्री इमेज होना चाहिए, इफ ईच एलिमेंट ऑफ रेंज हैज एग्जैक्टली वन प्री इमेज। क्लियर है? ये दोनों हमारे एग्जाम्पल हो गए। इसमें भी तुम देख लो हर एक एलिमेंट देख लो रेंज का, वाई वन की एक ही प्री इमेज है, वाई टू की भी एक ही प्री इमेज है, वाई थ्री की भी एक ही प्री इमेज है। सिमिलरली ऑल्सो वाई वन वाई टू वाई थ्री की एक एक प्री इमेज है, ठीक है, वाई फोर छूटा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अगर मैं बोलूं ओवरऑल तो ये फंक्शन वन वन भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्या है? क्योंकि रेंज का कोडोमेन का कोई भी एलिमेंट छूटा नहीं है, रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन। बट ये केस क्या हो गया, ये वाला सिनेरियो, ये हमारा वन वन तो है क्योंकि हर एक एलिमेंट है जो रेंज का उसकी एग्जैक्टली वन प्री इमेज है, बट दिस इज नॉट ऑन टू, दिस इज नॉट सर्जेक्टिव। क्यों? क्योंकि वाई फोर छूटा है, रेंज इज लेस देन कोडोमेन। तो क्लियर हो गया वन वन का हमारा कि रेंज का हर एक एलिमेंट की एग्जैक्टली एक इमेज होना चाहिए, एक प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब सुनना, अब हम मैनी वन पे आते हैं। तो मैनी वन के लिए क्या हो जाएगा, सिंपल फंक्शन इज कॉल्ड मैनी वन कम, जब कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए मुझे रेंज में जिसकी एटलीस्ट टू प्री इमेजेस हो। क्या लिखा मैंने, लिख लो इसको मैनी वन को, मैनी वन अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम, ऐसे लिख लो चलो लैंग्वेज फॉर्म की जगह, अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड मैनी वन इफ कम एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ रेंज। क्या लिखूंगा, इफ एटलीस्ट कम से कम एटलीस्ट वन एलिमेंट, इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ रेंज हैज मोर देन वन प्री इमेज। समझ में आया बच्चों? इसमें क्या होगा, सिनेरियो विल बी लाइक दिस, लेट्स से ये सेट ए है, ये सेट एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, और लेट्स से ये मेरा एक्स वन है, ये एक्स टू है, ये एक्स थ्री है, और लेट्स से ये वाई वन है, ये वाई टू है, और ये वाई थ्री। इसमें भी हम दो सिनेरियो ले लेते हैं, और एक मेरा हो गया ये एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एंड दिस इज वाई वन वाई टू वाई थ्री। ठीक है, अब सुनना, एक तो मैंने ऐसे सिनेरियो लिया, चलो इसको हटा ही देते हैं, लेट्स से ये हो गया हमारा और एक्स ये सिनेरियो हो गया, ठीक है, और मेरा एक सिंपल, चलो इधर भी मैंने एक काम करते, ये वाला सिनेरियो रहने देते हैं, जस्ट फोकस ऑन दिस। अब देख रहे हो तुम कि पहली बात क्या ये वन वन है, नहीं वन वन तो नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो वाई वन है दैट इज पार्ट ऑफ रेंज उसका एग्जैक्टली एक इमेज नहीं है, दो प्री इमेजेस है, ठीक है, तो दिस इज नॉट वन वन, तो क्या होगा ये मैनी वन होगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने बोला चलो ये मैनी वन तो हो गया, और भी देख लेते हैं चीजें, जैसे कि मैंने बोला इनटू ऑन टू में क्या होगा, तो क्या होगा ये ऑन टू होगा, क्यों, क्योंकि रेंज का हर एक एलिमेंट क्या है, हर एक एलिमेंट की प्री इमेज एग्जिस्ट करती है, मतलब रेंज इज इक्वल टू कोडोमेन, सो दिस इज ऑन टू ऑल्सो, दिस इज ऑन टू ऑल्सो। क्लियर है, मैनी वन के लिए समझे क्या हुआ कि जो रेंज का एलिमेंट होना चाहिए हर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाना चाहिए, कम से कम मेरा इधर क्या आ गया, y1 आ गया, y1 की दो प्री इमेजेस है, उसने क्या बोला अगर एक से ज्यादा प्री इमेजेस हो किसी भी एक एलिमेंट की रेंज में तो वो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? अच्छा तो वीडियो पॉज करो, इसको लिख लो। अब देखना, जैसे कि मैंने बोला कि वन वन फंक्शन के लिए एक ग्राफिकली डेफिनेशन क्या बोलूंगा मैं, देखो वो कह रहा है कि मेरा जो कर्व है, जैसे मैंने बोला कि लेट्स से ये मेरा कर्व है, मैंने तुमसे पूछा ये वन वन है या मैनी वन है, तो व्हाट इज योर आंसर, This is many one. क्यों? क्योंकि जैसे अगर मान लो मैंने ये वाली वैल्यू देखी बाई की, let's say this is, let's say 5, तो मुझे दिख रहा है ये 5 जो वैल्यू है वो मुझे दो x पे मिल रही है, तो इस x पे और एक x पे, let's say ये 2 है ये 6 है, तो x is equal to 2 और 6 दोनों पे मुझे y सेम मिल रहा है, that is 5, मतलब हमारा 5 जो है उसका दो प्री इमेजेस एग्जिस्ट करती है 2 एंड 6। ठीक है, अच्छा तो मैं इसको ग्राफिकली डेफिनेशन कैसे बोलूंगा कि हमें कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी नहीं मिलना चाहिए जो ग्राफ को कम से कम दो जगह कट करे, अगर ऐसी लाइन मिल गई जो ग्राफ को दो जगह कट करे, कौन सी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो वो मैनी वन हो जाएगा। क्या लिखा मैंने, ग्राफिकली लिख लो इसको, ग्राफिकली नो हॉरिजॉन्टल लाइन, नो हॉरिजॉन्टल लाइन should intersect graph of
ग्राफ ऑफ वन वन फंक्शन, ग्राफ ऑफ वन वन फंक्शन, ग्राफ ऑफ वन वन फंक्शन मोर देन वंस, मोर देन वंस। समझ में आया? कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन हमें ऐसी नहीं मिलना चाहिए जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करे। अगर कट करती है तो वो मेरा क्या हो जाएगा, मैनी वन। चलो अब एग्जांपल देख लेते हैं इसके ऊपर। तो वीडियो पॉज करो, तुम इसको कॉपी कर लो डेफिनेशन ग्राफिकली फॉर वन वन फंक्शन, और फिर मैं इसके एग्जांपल देख लेता हूँ, ग्राफिकल एग्जांपल्स। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में वन वन मैनी वन पे, पीएनसी से रिलेटेड भी बनते हैं, ठीक है ना, वो भी हम देखने वाले हैं क्लास में आज की। तो मैंने बोला चलो पहले मैं सिनेरियो बना देता हूँ कुछ कुछ, देखना। एक तो मैंने ये लिया, ठीक है, दिस इज माई सिनेरियो वन, दिस इज माई सिनेरियो टू, ओके लेट्स से दिस इज माई सिनेरियो थ्री, ओके लेट्स से दिस इज माई सिनेरियो, चलो मैं ऐसे ले लेता हूँ और भी सिनेरियो ले लेता हूँ मैं, लेट्स से मेरा ये हो गया, ठीक है, और एक आध और लेना है क्या, वेट अ मिनट, चलो एक कम करते एक और ले लेता हूँ, इधर ही लिख लेता हूँ सिनेरियो, ठीक है, लेट्स से दिस इज माय फाइव सिनेरियोस, ठीक है। अब देखना ध्यान से बच्चों, तो हम एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं विच इज वन वन एंड विच इज मैनी वन। तो पहले पे आते हैं, ग्राफिकली यूज करेंगे हम, ठीक है ना, ग्राफिकल डेफिनेशन क्या बोला था एक बार और रिकॉल करते हैं वन वन के लिए, कि फंक्शन इज कॉल्ड वन वन कब, जब हमें कोई भी ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन ना मिले जो ग्राफ को एक से ज्यादा जगह कट करे। फॉर अ वन वन फंक्शन नो हॉरिजॉन्टल लाइन शुड इंटरसेक्ट द ग्राफ मोर देन वंस। तो पहला वाला फंक्शन क्या होगा, ऑफकोर्स वन वन, क्या होगा वन वन, क्यों, क्योंकि देखो कोई हमें जितनी भी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे तो वो ग्राफ को एक ही जगह कट करेगी, सो दिस इज वन वन, क्लियर है बच्चों। अब सेकंड पे आता है, नाउ दिस इज क्लियरली विजिबल कि अगर मैंने ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई तो देखना है दो जगह कट कर रहा है, एक क्या हमें बहुत सारी लाइन मिल जाएंगी, ये दूसरी लाइन मिल गई, तो एटलीस्ट एक भी लाइन मिल गई जो ग्राफ को दो जगह कट करे, दो या दो से ज्यादा जगह, तो फंक्शन क्या हो जाएगा मैनी वन, सो दिस इज मैनी वन, मैनी वन, ठीक है। अब आते हैं तीसरे वाले पे, वीडियो पॉज करके सोचो ये केस क्या होगा, ये वन वन, क्या होगा वन वन, क्यों वन वन होगा, देखो जैसे मान लो मैंने ये वाला एलिमेंट ली, लेट्स से मैं इसको फाइव ले रहा हूं और ये मेरा सिक्स है और ये मेरा सेवन है, तो देखो एक भी हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है क्या, देखो जैसे मैं जीरो से फाइव तक गया तो ये ब्रांच आ रही है ग्राफ की, तो इधर तो नहीं कट कर रहा है हॉरिजॉन्टल लाइन, सिमिलरली इस ब्रांच पे भी नहीं कट कर रहा, आपको बोले कि y = 5 जो लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन वो कट कर रही है क्या दो जगह, नहीं एक ही जगह कट कर रही है, दैट इज 6, क्योंकि 6 पे क्लोज है 7 पे ओपन है, तो इस पॉइंट पे कट नहीं करेगी हॉरिजॉन्टल लाइन, सो दिस इज द वन वन फंक्शन। अब आते हैं इस सिनेरियो पे, अब वीडियो पॉज करके सोचो, ये भी एक इंटरेस्टिंग केस है, ठीक है ना, बहुत से लोग जल्दी जल्दी में क्या बोलते हैं इसको वन मैनी वन फंक्शन, बट क्या है ये फंक्शन ही नहीं है, दिस इज नॉट अ फंक्शन, क्योंकि फंक्शन को डिफाइन होने के लिए हमने कैसे ग्राफिकल डेफिनेशन बोली थी कि कोई भी वर्टिकल लाइन ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, दो और दो से ज्यादा, क्योंकि अगर कर रही है इसका मतलब क्या हो रहा है, जैसे x1 है, एक x1 पे मुझे दो y मिल रहे हैं, एंड विच इज नॉट अ फंक्शन, एक x के लिए दो y तो अलाउ ही नहीं है ना, इस टाइप का सिनेरियो तो हमारा होता ही नहीं है फंक्शन में, हाँ दो x के लिए एक y मिल सकता है वो मैनी वन हो गया, बट दिस इज नॉट अ फंक्शन, तो इधर लिख लो नॉट अ फंक्शन, नॉट अ फंक्शन। अब आते हैं इस पे, तो क्या हॉरिजॉन्टल लाइन मिल रही है कोई जो ग्राफ को इंटरसेक्ट करे दो जगह, नहीं नहीं मिल रही, तो ये क्या हो जाएगा वन वन, वन वन फंक्शन, दैट इज इंजेक्टिव, और याद रखना इंजेक्टिव से आता है क्वेश्चन, वन वन तो कम ही यूज होता है क्वेश्चन में, वो बोलेगा विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज इंजेक्टिव, तो हमें याद होना चाहिए इंजेक्टिव मतलब वन वन, जैसे मैंने ऑन टू के लिए बताया था तुमको ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, वैसे उसी प्रकार वन वन मतलब इंजेक्टिव। अब आते हैं इस पे, तो इधर यू विल सी कि जो ये वाली लाइन है कौन सी, ये वाली, लेट्स से इसको 5 में बोल रहा हूं, y is equal to 5 जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट कर रही है, एक तो ये क्योंकि ये भी फील्ड है ये भी फील्ड है, हेंस दिस इज मैनी वन, मैनी वन, समझ में आया, एक ही लाइन मिल रही है, हमने तो बोला था एक भी मिल जाए कम से कम, जैसे इस वाले केस में तो क्या रहा इनफाइनाइट लाइंस है, बट इस सिनेरियो में एक ही ऐसी हॉरिजॉन्टल लाइन है y = 5 व्हिच इंटरसेक्ट्स ग्राफ एट टू पॉइंट्स, हेंस दिस फंक्शन इज मैनी वन,
क्लियर हो बच्चों ग्राफिकली? चलो अब हम देखते हैं एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, एक बेसिक क्वेश्चन जो मैंने तुम लोगों को ऑन टू इनटू में भी कराया था, वही क्वेश्चन है। बस उधर हमारा था विच आउट ऑफ इनटू ऑन टू और इधर हमारा हो जाएगा वन वन मैनी वन। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो अच्छे से। देखना अब मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने बोला अ फंक्शन एफ डिफाइन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, ठीक है ना, एक फंक्शन है जो डिफाइन है सेट ए से सेट बी, और मुझे दे रखा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एन वन। अब याद आ गया होगा बच्चों को, मैंने कराया था एक क्वेश्चन, कॉमा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी विच इज कोडोमेन सेट इज इक्वल टू एन टू, ठीक है। आप बताना है मुझे इन फाइंड वेदर वन वन कॉमा मैनी वन कॉमा बोथ आर पॉसिबल फॉर फॉलोइंग केसेस, फॉर फॉलोइंग केसेस। केस वन है मेरा एन वन लेस देन एन टू, सेकेंड केस इज एन वन इक्वल्स टू एन टू, एंड थर्ड केस इज एन वन ग्रेटर देन एन टू, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो एक बार, तुम लोग खुद से ट्राई करो। उधर हमने सेम क्वेश्चन लिया था बट वन वन मैनी वन की जगह मैंने क्या यूज किया था, इन टू वन टू कॉमा बोथ, ठीक है। तो मैं पहला पार्ट डिस्कस करता हूं, एन वन लेस देन एन टू। तो स्टार्ट, लेट स्टार्ट विद इट। तो मैंने बोला फर्स्ट सिनेरियो क्या है हमारा, एन वन लेस देन एन टू, ठीक है। तो एन वन लेस देन एन टू है तो लेट से मैंने इसके अंदर दो एलिमेंट ले लेता हूँ ए और बी, और इसके अंदर मैं तीन एलिमेंट ले लेता हूँ क्योंकि एन टू बड़ा है, तो लेट से सी डी ई, ठीक है। एन वन इज लेस देन एन टू। अब मुझे बताना है कि वन वन और मैनी वन दोनों पॉसिबल है या एक पॉसिबल है कोई, और कौन सा पॉसिबल है। तो सी मुझे क्या करना है कि पहली बात तो फंक्शन बनाना है, फंक्शन बनाना है मतलब इस वाला जो सेट है, ये वाला ए सेट है उसका कोई एलिमेंट छूटना चाहिए। तो लेट से ए तो सी से मैप हो गया, अब मैंने क्या किया बी को डी से मैप कर दिया, तो मेरा क्या हो गया ये अभी एट प्रेजेंट क्या हो गया वन वन हो गया। ई से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी एलिमेंट छूटने दो रेंज का, ये इनटू नहीं ऑन टू नहीं होगा बट वन वन तो है अभी, क्योंकि सी और डी दैट इज अ पार्ट ऑफ रेंज, उन दो एलिमेंट्स का एग्जैक्टली वन प्री इमेज है, तो ये हो गया मेरा वन वन। अब मैं देखता हूं मैनी वन पॉसिबल है क्या, तो बनाया मैंने ए बी सी डी ई। अब देखो अब मैं मैनी वन बनाना है मुझे, तो मैंने क्या किया पहले तो एक एलिमेंट को मैप कर दिया किसी से भी। अब ध्यान रखना अब मुझे क्या करना है, मैनी वन बनाना है, तो बी को मैनी वन के लिए क्या होता है कि रेंज का जो एलिमेंट है ना कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाए जिसकी दो प्री इमेज हो, तो क्या किया मैंने बी को भी सी से मैप कर दिया। Now see, is it a function? हाँ, valid function है क्योंकि इसका कोई एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। क्या ये हमारा on to है? नहीं, on to नहीं है, on to तो दोनों ही नहीं है क्योंकि इधर भी E छूट गया, इधर D और E दोनों छूट गए, ठीक है, on to नहीं है। बट क्या many one है? One one है ये? हाँ, one one है, क्यों? क्योंकि जो रेंज का एलिमेंट है सी उसके दो प्री इमेजेस आ रहा है ए एंड बी, हेंस दिस इज मैनी वन, मैनी वन। तो और ये हमारा हो गया वन वन, ठीक है, समझ में आया। तो दिख रहा है अब तुम्हें क्लियरली कि n1 less than n2 के लिए दोनों फंक्शन पॉसिबल है, one one as well as many one, क्लियर है। अच्छा अगर आप समझ में आ गया हो तो वीडियो पॉज करके नेक्स्ट टू पार्ट के लिए तुम लोग खुद से ट्राई करो, मैं भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट मी रब दिस पार्ट, अब मैं ले रहा हूं सिनेरियो n1 equals to n2, तो मैंने लिया n1 n1 equals to n2, तो लेट से तीन तीन एलिमेंट ले लेता हूं ए बी सी डी ई एफ डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू सेट बी एंड दिस इज माई फंक्शन एफ, और एक और सिनेरियो लूंगा मैं ए टू बी कि तीन तीन एलिमेंट ले लिए ए बी सी डी ई एफ। अब सुनना ध्यान से, अब मेरे को पहले पहले मैं वन वन पे आता हूँ, तो वन वन बनाना है तो सिंपली क्या करूँ मैं हर एक जो ये एलिमेंट है इसे ऐसे से मैप कर दिया मैंने, तो ये क्या हो गया मेरा वन वन। देख सकते हो रेंज का हर एक एलिमेंट की एक ही प्री इमेजेस है। अब मुझे क्या करना है मैनी वन बनाने की कोशिश करनी है, तो पहले तो मैंने एक और डी से मैप कर दिया लेट से, ठीक है। अच्छा अब मुझे मैनी वन बनाना है तो मैं क्या करूं डी की, अब मैं बहुत तरीके से बना सकता हूं, जैसे कि मैंने बी और सी को भी डी से मैप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज मैनी वन, एलिमेंट रेंज में एलिमेंट क्या है डी, उसके तीन प्री इमेजेस आ रहे हैं, हमें तो एक से ज्यादा चाहिए ही नहीं वन वन के लिए, तो ये क्या हो गया मैनी वन हो गया। या फिर तुम इसको ऐसे भी कर सकते थे, इधर से ये हटा के ई से मैप कर देते, दिस इज ऑल्सो मैनी वन,
इस केस में क्या होता है, डी की दो प्री इमेजेस आते हैं, तो वो होता है। तो एन वन इक्वल टू एन टू के लिए क्या कंक्लूजन निकला, वन वन एज वेल एज मैनी वन, मैनी वन बोथ आर पॉसिबल फॉर वन वन एंड मैनी वन। चलो अब हम लास्ट केस लेते हैं, वो थोड़ा इंटरेस्टिंग है, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो। अब मैंने लिया एन वन ग्रेटर देन एन टू, तो एन वन क्या है मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो मैंने लिखा एन वन, ये मेरा सेट ए है, एन वन इज ग्रेटर, तो मैं इसमें तीन ले लेता हूँ ए बी सी, और बी सेट में तीन से कम तो मैं दो एलिमेंट ले लेता हूँ डी और ई, ठीक है। अच्छा चलो एक और इधर लिख लेते हैं हम, वैसे ए बी सी और इधर डी और ई, दिस इज माई सेट बी। अब देखना ध्यान से, अब मैंने बोला कि मुझे वन वन बनाना है पहली बात, तो चलो मैनी वन बनाना है पहले, तो मैनी वन बनाना है तो मैंने क्या किया, हर एक एलिमेंट को डी से मैप कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, दिस इज मैनी वन, परफेक्ट मैनी वन है हमारा, क्योंकि हमारी जो डी है, जो हमारा डी है रेंज का एलिमेंट, उसकी तीन तीन प्री इमेजेस है। अब कोशिश करो तुम वन वन बनाने की, देन यू विल सी कि वन वन बनेगा ही नहीं, क्यों नहीं बनेगा, जैसे तुमने देखो उल्टा जाओ, देखो जैसे मैंने क्या बोला, डी जो एलिमेंट है, डी जो एलिमेंट है उसकी, चलो उसको मैंने ए से मैप किया, मतलब उल्टा कर रहा हूं मैं, ए डी की ए की प्री इमेज आ रही, अब मुझे ई की भी ए की प्री इमेज चाहिए, तो मैंने किसी भी बी और सी को दे दिया, तो लेट से बी को दे दिया, तो मेरा देख रहा सी एलिमेंट छूट गया, तो ये तो फंक्शन ही नहीं होगा, क्योंकि हमारा डोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इस केस में क्या हो रहा है, वन वन इज नॉट पॉसिबल, वन वन इज नॉट पॉसिबल, क्लियर है बच्चों। तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, मतलब डेफिनेशन के ऊपर, लेकिन मजेदार चीज है। चलो अब हम देखेंगे कि हाउ टू डिटरमाइन वन वन एंड मैनी फंक्शन, ठीक है ना, अगर मान लो एग्जाम्पल दिया है हमें कोई न्यूमेरिकल, तो उसमें हम कैसे पहचानेंगे कि फंक्शन वन वन है या मैनी वन है, तो उसके पांच छह रूल्स हैं, चार पांच रूल्स हैं, उसको हम देख लेते हैं और उसके बाद हम इलस्ट्रेशन लेंगे, ठीक है बच्चों। तो लिख लो हाउ टू फाइंड या डिटरमाइन वन वन एंड मैनी वन फंक्शन, मैं इसको रब कर देता हूं, क्या बोला मैंने, हाउ टू डिटरमाइन वन वन एंड मैनी वन फंक्शन, तो लिख लो इधर, मैं इसी पे लिख लेता हूं, हाउ टू डिटरमाइन, हाउ टू डिटरमाइन, इधर डिटरमाइन लिख लेना, डिटरमाइन या फिर फाइंड, हाउ टू डिटरमाइन या फाइंड वन वन एंड मैनी वन फंक्शन। तो पहले मैं फर्स्ट पॉइंट देखना, बहुत मैनी वन मतलब क्या हो रहा है हमें कि कम से कम एक ऐसा वायर मिल जाए जिसकी दो प्री इमेजेस हो, मतलब हमारा क्या है ग्राफिकली हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, कम से कम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसी मिल जाए जो ग्राफ को दो जगह इंटरसेक्ट करे। तब सुनो, मान लो मेरा अगर पीरियोडिक फंक्शन है, चलो पीरियोडिक से पहले इवन लेते हैं, इवन फंक्शन है तो मुझे पता है इवन फंक्शन जो होता है वो क्या होता है, y एक्सिस के वो मिरर इमेज होता है, तो कोई फंक्शन ले लो, लेट्स से मैंने इधर ऐसा कुछ तो ग्राफ है, तो पक्का इसका y एक्सिस पर रिफ्लेक्शन ऐसा ही होगा कुछ तो दिख रहा है कि अगर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई कोई भी तो पक्का दो जगह इंटरसेक्ट करेगी। जैसे मैंने y इक्वल टू x स्क्वायर ले लिया, y इक्वल टू x स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है, इट इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है, सी हॉरिजॉन्टल लाइन पक्का दो जगह इंटरसेक्ट करेगी, क्योंकि सिमेट्रिक है ना y एक्सिस के ऊपर, जो इधर पॉइंट आ रहा है लेट्स से x इक्वल टू अल्फा पे, वही x इक्वल टू माइनस अल्फा पे पॉइंट आएगा, मतलब y की वैल्यू y आएगी, लेट्स से मैंने बोला ये 2 है, तो 2 पे अगर 4 वैल्यू मिल रही है तो माइनस 2 पे भी 4 ही मिलेगी, क्लियरली दिख रहा है। इवन फंक्शन के लिए क्या होगा, जो फंक्शन की वैल्यू है अल्फा पे वही वैल्यू आएगी माइनस अल्फा पे, तो मुझे दो दो मिल गए ना, अल्फा और माइनस अल्फा, जिसके लिए मेरा वाई सेम है, क्लियर है, मतलब अल्फा एक्स वन एक्स टू पे अगर वैल्यू आ रही है लेट्स से बीटा, तो एक्स वन एक्स टू जो है, जो एक्स वन एक्स टू है और इधर बीटा है, तो बीटा की दो प्री इमेजेस हो गई एक्स वन एक्स टू, क्लियर है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला, फर्स्ट पॉइंट कि जो मेरा इवन फंक्शन होगा वो हमेशा मैनी वन होगा, तो लिख लो इधर, अभी मैं और भी आ रहा हूं, इसमें और भी ऐड कर रहा हूं, तो पहले तो मैंने लिखा इवन फंक्शन, अभी इवन फंक्शन कॉमा, अभी रुकना कंप्लीट नहीं हुआ पॉइंट, ये तो पक्का हो गया कि अगर मैंने जो फंक्शन दिया, मान लो मुझे ऐसे लिखा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर बोला ये वन वन है या मैनी वन है, तो क्या देखो मैं, सिंस इट इज इवन हैंस इट इज मैनी वन, और कुछ नहीं करना, सिंस इट इज इवन देयरफॉर इट इज मैनी वन। अभी हम एक साथ एग्जांपल लेंगे जब ज्यादा मजा आएगा, पहले हम सारे पॉइंट्स देख लेते हैं, कवर कर लेते हैं। अब मैंने बोला दूसरा सिनेरियो, अगर मेरा फंक्शन पीरियोडिक है, खुद सोचो अगर पीरियोडिक है, जैसे मेरा साइन एक्स के एग्जांपल ले लेता हूं, बेस्ट एग्जांपल, ऐसा चलता जा रहा है, तो यू कैन सी कि हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी, क्योंकि ग्राफ क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है ना, अगर मान लो ये पार्ट मैं इधर रिपीट कर दूंगा, अगर कोई भी एक हॉरिजॉन्टल लाइन करूंगा तो पक्का इंटरसेक्ट करेगी, तो क्या लिख सकता हूं मैं, पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन,
ठीक है। अच्छा, और एक और फ्लक्चुएटिंग फंक्शन जो कि मतलब कम यूज होता है, बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। फ्लक्चुएटिंग मतलब जो एकदम फ्लक्चुएट कर रहा है, जरूर नहीं पीरियोडिक हो बट फ्लक्चुएट कर रहा है, तो वो भी क्या होगा, मैनीवन होगा। मतलब फ्लक्चुएट मतलब उसी जगह, जैसे एक बार ग्राफ ऊपर गया फिर नीचे आ रहा है। देखो इसमें और पीरियोडिसिटी में क्या अंतर है कि पीरियोडिक में तो एक पैटर्न, फिक्स पैटर्न रिपीट होता है एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद, पर फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि वो ऊपर नीचे तो हो रहा है बट उसका कोई ड्यूरेशन फिक्स नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ, साइन ऑफ 1/x² या फिर साइन ऑफ x², दीज बोथ आर फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। ठीक है, हम लिमिट्स में इसके बारे में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे फ्लक्चुएटिंग फंक्शन के बारे में, अभी तो मैं ऐड कर लूँ कि फ्लक्चुएटिंग फंक्शंस भी क्या होंगे, मैनी वन होंगे। तो क्या क्या लिखा मैंने, इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, कॉमा फ्लक्चुएटिंग फ्लक्चुएटिंग फंक्शन। अगर नहीं भी ऐड करना है तो नहीं करो, अगर तुम्हें डाउट आ रहा है फ्लक्चुएट, क्योंकि ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं, फ्लक्चुएटिंग के ऊपर अभी तक कभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट फिर भी मैंने लिख लिया फॉर द कंप्लीशन ऑफ नोट्स। तो इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन, फ्लक्चुएटिंग फंक्शन आर मैनी वन, आर मैनी वन। तो पहला पॉइंट हमारा हो गया, याद रखना इवन, पीरियोडिक, फ्लक्चुएटिंग। हमें जैसे कोई भी फंक्शन दे रखा है, जैसे मैंने लिखा वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स, तो हमें ज्यादा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं, ये पॉइंट देखना है पीरियोडिक फंक्शन है, हाँ है, तो मैनी वन खत्म, फिर आगे बढ़ना ही नहीं है, सोचना ही नहीं है। ठीक है, चलो वीडियो पॉज करो, इसको रब करो, मैं सेकंड पॉइंट ऐड कर रहा हूं। अब देखना मैं क्या नहीं लिखा, कि मैं पॉइंट लिख लेता हूं उसके बाद एक्सप्लेन करता हूं। तो देखना मैंने क्या लिखा, फंक्शन फंक्शन विथ मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन, मैनी वन। इसका मतलब क्या है कि जैसे मैंने लिखा x इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू, चलो x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू लिखा, दिस इज माई फंक्शन f, तो मुझे पता है इसके रूट्स क्या है, वन एंड टू, बिकॉज रूट्स पे क्या होता है, वैल्यू जीरो थी y की। तो अब खुद सोचो, ये बेसिकली मैनी वन की डेफिनेशन ही हो गई ना, क्या कि x इज इक्वल टू वन कॉमा x इज इक्वल टू टू, दो x पे मुझे सेम y मिल रहा है, दैट इज जीरो। तो क्या लिखा है मैंने, फंक्शन विथ मल्टीपल रूट्स एक से ज्यादा, तो इसका मतलब क्या हो गया, जैसे x इज इक्वल टू वन और टू है, तो वन और टू पे मेरे को y सेम मिल रहा है ना, दो x के लिए सेम y मिल रहा है, विच इज जीरो। ठीक है, जीरो मिलने दो, चाहे कुछ मिलने दो, एक रियल नंबर तो मिल रहा है। तो मैंने बोला कि फॉर x1 एंड x2 वी आर गेटिंग सेम y, हेंस दिस इज मैनी वन। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फंक्शंस विद मल्टीपल रूट्स विल बी मैनी वन। क्लियर है बच्चों? अच्छा, इसको एग्जांपल के तौर पे लिख लेना ये, ठीक है ना। चलो अब मैंने लिखा थर्ड, थर्ड पॉइंट इज, देखना मैंने बोला कि अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, पहले लिख लो इवन डिग्री पॉलिनोमियल, इवन डिग्री पॉलिनोमियल डिफाइंड इन आर विल बी मैनी वन, विल बी मैनी वन। पहले खुद सोचो वीडियो पॉज करके, ऐसा क्यों, ठीक है, मैं इसका एक्सप्लेनेशन देता हूं। चलो मैंने बोला जैसे इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, तो मैं पैराबोला ही ले लूं सबसे बेस्ट एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए। वैसे चलो एक जनरल एग्जांपल से भी मैं चलूंगा, करूंगा, दिस इज माय इवन डिग्री पॉलिनोमियल। तो पहले तो मैंने पैराबोला लेता हूं, इवन डिग्री पॉलिनोमियल है विद अ डिग्री टू, तो पैराबोला कैसा हुआ, कहीं तो ऐसा कुछ तो हुआ। तो देखो ऐसा सिनेरियो है, या फिर इमेजिनरी रूट्स वाला भी सिनेरियो ले लो, भले लेट्स से ऐसा सिनेरियो है, उल्टा है सीधा है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब दिख रहा है क्लियरली कि अगर मेरा इवन डिग्री पॉलिनोमियल है विच इज क्वाड्रेटिक, तो हमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो ग्राफ को दो जगह कट करेगी, हैंस इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या होगा, मैनी वन होगा। बट ऐसा क्यों हो रहा है, सुनना रीजन, एक्सप्लेनेशन सुनो। क्वाड्रेटिक का तो चलो स्पेशल केस मान लिया मैंने, अदर इवन डिग्री पॉलिनोमियल के लिए क्या सिनेरियो है, देखो जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि जब भी हम जैसे अभी लिमिट्स में भी आगे देखेंगे कि जैसे डोमिनेटिंग पावर देखेंगे। देखो जैसे मैंने बोला कि कोई भी इवन डिग्री पॉलिनोमियल होगा, x इज इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये डोमिनेटिंग टर्म होगा, तो ओवरऑल वैल्यू कितनी आएगी फंक्शन की इन्फिनिटी पे, इन्फिनिटी आएगी। लेट से ये जाता जा रहा है ऐसे, कहीं कहीं तो जा रहा है, कहीं तो डिग्रीज हो रहा है इधर। अब मान लो माइनस इन्फिनिटी पे सोचो क्या होगी, माइनस इन्फिनिटी पे भी अगर इवन पावर है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, तो इधर से ग्राफ आ रहा है, तो कहीं ना कहीं तो मिलेंगे ये नीचे आके, क्योंकि कंटिन्यूस है फंक्शन, पॉलिनोमियल है, तो यू कैन सी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन तो मिल गया हमें। अच्छा मैं ऑड के लिए क्यों नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि ऑड के लिए तो क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी पे तो चलो वैल्यू प्लस इन्फिनिटी होगा,
बट माइनस इन्फिनिटी पर माइनस इन्फिनिटी है, तो ये तो कैसे भी जा सकता है ऑड वाला। तो इसमें तो क्या हो रहा है, ग्राफ को टर्न लेना पड़ेगा, प्लस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी आना है नीचे होते हुए, तो कहीं तो टर्न होगा ग्राफ, तो मैनिवर हो जाएगा हमारा, एक हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी हमें कम से कम, जो ग्राफ को कम से कम दो जगह कट करेगी। अच्छा एक चीज और इंपॉर्टेंट है, मैंने इस लाइन में डिफाइन इन आर, इसका मतलब क्या है कि हमने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट नहीं किया। अगर मान लो डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दूं तब तो मैं वन वन बना सकता हूं। जैसे मैंने पैराबोला का एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिया पैराबोला का y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस टू, तो दिस इज अ पैराबोला विद द रूट्स वन एंड टू, वन और टू है एंड दिस इज थ्री बाई टू, ठीक है। अब सोचो अगर ओवरऑल देखा जाए, इफ अगर मैं इसको डिफाइन कर रहा हूं ऑल फॉर ऑल रियल नंबर्स, मतलब डिफाइन इन आर, तब तो मैं क्या बोलूंगा, ये जो मेरा पैराबोला है वो क्या होगा, वन वन होगा, मैनी वन होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन। बट अगर मालूम मैं डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दूं, अगर मैं बोलूं डोमेन फॉर डोमेन थ्री बाई टू से इन्फिनिटी, तो ये वाला पार्ट हट जाएगा मेरा, फॉर थ्री बाई टू से इन्फिनिटी दिस पैराबोला इज वन वन। तो इसलिए मैंने बोला अगर डिफाइन इन आर होगा तभी मैं लूंगा वन वन, सॉरी तभी मैं मैनी वन बोलूंगा इन जनरल, बट अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दिया तब तो फिर मैं उसको वन वन बना सकता हूँ। या डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके तो हम इवन फंक्शन हुआ, पीरियोडिक फंक्शन, नॉट इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन हुआ उसको भी वन वन बना सकते हैं। जैसे मैंने साइन एक्स का एग्जाम्पल ले लिया, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ इन जनरल लिखवाया था मैंने डिफाइन इन आर, बट अगर मान लो मुझे इतने पीरियोडिक फंक्शन को वन वन बनाना है तो मैं साइन एक्स का डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर देता हूँ, तो लेट से मैं जीरो टू जीरो से पाई बाई टू कर देता हूँ, तो जीरो से पाई बाई टू मेरा कर्व इतना ही होगा बस, जीरो से पाई बाई टू, तो विच इज वन वन। तो मैं ये स्टेटमेंट लिखा है दैट इज फॉर ऑल रियल नंबर्स, इधर भी मैंने फॉर ऑल रियल नंबर्स लिखा है, बट मैंने स्पेसिफाई कर दिया अगर ये डिफाइन इन आर नहीं होता तब मैं जरूरी नहीं इवन डिग्री पॉलीनोमियल मैनी वन हूं, तब मैं वन वन भी बना सकता हूँ, कुछ थोड़ा सा पार्ट ले लूंगा मैं ग्राफ का जो जिसमें फंक्शन हमेशा ऊपर जा रहा है या हमेशा नीचे आ रहा है, ठीक है। चलो अब ये वीडियो पॉज करके इसको कॉपी कर लो, अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर जंप करते हैं। अब देखना एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट है, पहले लिख लेते हैं, देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है और अगर मुझे इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा मिल जाता है तो फंक्शन होगा मैनी वन। क्या लिखा मैंने, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, हर एक वर्ड का इंपॉर्टेंट है डेफिनेशन में, जैसे कंटिन्यूअस लिखवाया तो इसका भी इंपॉर्टेंस है, विदाउट दिस दिस स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड। तो फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन If there exists intermediate, अब इसका भी importance है, ये भी देखेंगे हम, intermediate point of local maxima या minima, क्या लिखा, for a continuous function if there exists intermediate point of local maxima या minima then it will be many one. Then it will be many one, ठीक है। कैसे, आप सुनना, पहली बात तो इंटरमीडिएट मतलब बीच का, इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने लिखा ये ग्राफ, तो दिस इज माई लोकल मैक्सिमा, वो मैक्सिमा मिनिमा और ज्यादा डिटेल में देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, अभी हमें इतना नाम से इंडिकेट होता है लोकल मैक्सिमा मतलब लोकली इट इज मैक्सिमम, मतलब अपने आसपास के वैल्यू से वो बड़ा है, तो दिस इज द पीक पॉइंट, सो दिस इज माय लोकल मैक्सिमम। आप देख रहे हो कि अब मैंने क्या बोला कि अगर इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमम एग्जिस्ट करेगा तो यू कैन सी कि इधर क्या होगा कर्व, जब मैं ये मैक्सिमम बोल रहा हूँ तो इधर भी नीचे की तरफ जाएगा, इधर भी नीचे की तरफ जाएगा, तो मुझे हॉरिजॉन्टल लाइन मिल जाएगी जो ग्राफ को कम से कम दो जगह कट करेगी, क्लियर है। अच्छा अब मैं आ रहा हूँ इंटरमीडिएट क्यों बोला, इंटरमीडिएट इसलिए बोला जैसे आगे चल के हम पढ़ेंगे कि ये जो पॉइंट है ना, लेट से दिस इज माय टू, लेट से y x इज इक्वल टू टू है, दिस इज आल्सो लोकल मैक्सिमम, ठीक है, टू के उस साइड डिफाइन नहीं है बट इस साइड तो डिफाइन है, इस टू के जस्ट पहले जो वैल्यू आ रही है उससे तो बड़ी आ रही है, ये वैल्यू हैज ट्रूली लोकल मैक्सिमम बट इट इज नॉट इंटरमीडिएट पॉइंट, इट इज एक्सट्रीम पॉइंट। ये सब डिस्कशन लोकल मैक्सिमम मिनिमा का हमारा आगे चल के भी होगा डिटेल में, सो डोंट वरी अबाउट दिस पॉइंट, ठीक है ना। और अभी के लिए इसका हम एग्जांपल में एप्लीकेशन कम ही आएगा इसका, ठीक है ना, अभी जो भी मैं इलस्ट्रेशन ले रहा हूँ उसमें नहीं आएगा इसका, बट मैंने लिखवा दिया क्योंकि तुम्हें फॉर फील पर्पस, मतलब अच्छे से फील आ जानी चाहिए, तुम्हें सारे सिनेरियो डिस्कस हो जाने चाहिए। तो मैंने क्या बोला, दिस इज लोकल मैक्सिमा, ये क्या मेरा लिख लो इधर, लोकल मैक्सिमा तो है बट एक्सट्रीम पॉइंट है, और ये मेरा क्या है, लोकल मैक्सिमा है
लोकल मैक्सिमा है और इंटरमीडिएट पॉइंट है, इंटरमीडिएट पॉइंट। तो डिफरेंस समझ में आया, इंटरमीडिएट पॉइंट होगा लोकल मैक्सिमा का और फंक्शन कंटिन्यूअस होना चाहिए। ऑफ कोर्स फंक्शन शुड बी कंटिन्यूअस, क्योंकि ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। चलो एक और सिनेरियो बता देता हूं। अगर मान लो ऐसा हो, नाउ सी इसका मतलब क्या, चलो ऐसे नहीं, वेट अ मिनट, जो वॉयलेट करेगा वैसा केस लेता हूं। लेट्स से मैंने ये लिया, सो दिस इज माय वाई एक्सिस, दिस इज माय एक्स एक्सिस। नाउ कैन यू सी, कैन यू सी, अगर मैंने कंटिन्यूअस नहीं बोला होता तो देखो, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा, ये जो पॉइंट है ना X1, ये लोकल मैक्सिमा है। ठीक है, क्यों है? सिंपल, अभी इतना समझ लो कि X1 पे जो वैल्यू है Y1 की, वो अपने आसपास से बड़ी है, इसलिए X1 इज लोकल मैक्सिमा। अच्छा, ये इंटरमीडिएट पॉइंट है। हाँ, इंटरमीडिएट पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट भी नहीं है, क्योंकि इस साइड भी ग्राफ डिफाइन है, इस साइड भी डिफाइन है। अच्छा, तो अब मेरा फेल हो जाता अगर मैं कंटिन्यूअस नहीं यूज करता। क्यों? अब तुम क्या बोलोगे कि ये जो मेरा फंक्शन होगा वो क्या होगा? मैनी वन, बट इट इज 1 1, क्योंकि देखो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन मिल ही नहीं रही तुम्हें कोई भी जो ग्राफ को कम से कम दो जगह कट करे। सो कहां दिक्कत कहां हुई हमारी? कंटिन्यूअस, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस। हाँ, अगर कंटिन्यूअस होगा तो पक्का, अगर इंटरमीडिएट लोकल मैक्सिमा होगा तब पक्का मैनी वन होगा, बट दिस इज 1 1। तो यहाँ कौन सी कंडीशन वायलेट हो रही है इस स्टेटमेंट के हिसाब से? कंटिन्यूटी वाली। तो उसको भी नोट कर लो तुम लोग, दिस इज नॉट कंटिन्यूअस, देयरफॉर वी कैन नॉट अप्लाई दिस रूल। एज अ रूल समझ लो, ये रूल है, उसमें अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तब मैं इस पे कमेंट करूंगा। अगर इनमें से कोई भी एक कंडीशन फेल हुई, कंटिन्यूअस वाली चाहे इंटरमीडिएट वाली, तो मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ठीक है ना? जैसे मान लो अभी नहीं है मैनी वन, लेकिन मैंने इसको थोड़ा और आगे बढ़ा दिया, नाउ दिस इज मैनी वन, क्योंकि इधर हॉरिजॉन्टल लाइन मिल गई हमें। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, दीज आर द कंडीशंस। अगर कंडीशंस वायलेट हो रही है तो फिर मैं इस पर इन जनरल कमेंट नहीं कर सकता। वो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मैंने इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो हमारा क्या क्या डिस्कस हो गया? इवन फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन और फ्लक्चुएटिंग फंक्शन, ये होते हैं मैनी वन। फिर फंक्शंस विथ मल्टीपल रूट्स, अपना क्या बोलते हैं, मैनी वन। फिर इवन डिग्री पॉलीनोमियल डिफाइंड इन आर इस, अगेन मैनी वन। फिर ये लास्ट पॉइंट क्या था हमारा, कि फंक्शन जो है अगर उसमें कंटिन्यूअस है और अगर उसमें इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा है तो पक्का मैनी वन होगा। अब हम आते हैं 1 1 पे। अब 1 1 पे सुनना क्या किया, 1 1 पे के लिए क्या है। अब सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, कि अगर मेरा कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन टू बी 1 1, अगर उसको 1 1 होना है तो क्या होना पड़ेगा? कंडीशन क्या है? वो एंटायरली इंक्रीजिंग होना चाहिए या फिर एंटायरली डिक्रीजिंग। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए पहले इंक्रीज कर रहा है फिर घट रहा है, नहीं। क्या लिखूं मैं इसमें, लिख लेता हूं पहले, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन टू बी, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन टू बी 1 1, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन टू बी 1 1, इट शुड बी एंटायरली इंक्रीजिंग, इट शुड बी एंटायरली इंक्रीजिंग और एंटायरली डिक्रीजिंग। समझ में आया क्या हुआ? मतलब फंक्शन या तो कंटिन्यूअसली बढ़ना चाहिए या कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए। इट शुड नॉट बी समथिंग कि पहले इंक्रीज किया फिर डिक्रीज किया, क्योंकि जैसे ही इंक्रीज करेगा फिर डिक्रीज करेगा तो क्या आ जाएगा, हमारा पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा आ जाएगा। यही डेफिनेशन होती है लोकल मैक्सिमा वगैरह की, आगे चल के देखेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा? मैनी वन हो जाएगा। एक ओरिएंटल लाइन मिल गई जो ग्राफ को दो जगह कट कर रही है। तो सिनेरियो समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? मैंने बोला कि फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन टू बी 1 1, क्या होना चाहिए? वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना चाहिए या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज करना चाहिए। दोनों सिनेरियो में हमारा फंक्शन क्या होगा? 1 1 होगा। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया कंटिन्यूअसली रिलेटेड। अब इसी को मैं डिफरेंशिएबिलिटी के टर्म्स में कैसे बोल सकता हूँ? जैसे मैंने इससे पहले तो पढ़ाया था, जब मैं क्या बताया था, फाइंडिंग रेंज यूजिंग डेरिवेटिव, उसमें बताया था अगर फंक्शन कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा है तो क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स के टर्म्स में उसका डेरिवेटिव पॉजिटिव होता है। तो मैंने बोला कि कंटिन्यूअसली इंक्रीज करना चाहिए, इसका मतलब कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब मैं लैंग्वेज फॉर्म में क्या लिखूं? क्या तो देखो, एक तो मैंने बोला कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए, तो मतलब कंटिन्यूअसली पॉजिटिव होना चाहिए, या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज होना चाहिए, इसका मतलब डेरिवेटिव कंटिन्यूअसली नेगेटिव होना चाहिए। तो मैं क्या लिखूं इन लैंग्वेज टर्म में, कि फॉर अ डिफरेंशियबल फंक्शन, मतलब जिसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा हो, फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन टू बी 1 1, उसके डेरिवेटिव का साइन चेंज नहीं होना चाहिए।
या तो हमेशा पॉजिटिव रहे मतलब हमेशा इंक्रीज करे फंक्शन, या फिर उसका डेरिवेटिव का साइन हमेशा नेगेटिव रहे मतलब फंक्शन हमेशा डिक्रीज करे, तो क्या बोलूंगा फंक्शन विल बी 1 1। तो इस पॉइंट को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा यही यूज होगा दो पॉइंट, ठीक है ना, फॉर 1 1 एंड मेनी 1। तो लिख लो उसको, इसी को डिफरेंशियबिलिटी के टर्म्स में कैसे लिखेंगे, और फॉर अ डिफरेंशियबल फंक्शन, फंक्शन डिफरेंशियबल कब होता है वो अगला चैप्टर आएगा हमारा, ठीक है, लिमिट्स के बाद हम पढ़ेंगे, पहले लिमिट्स आएगा फिर कंटिन्यूटी फिर डिफरेंशियबिलिटी। अभी के लिए इतना याद रखो, डिफरेंशियबल मतलब उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। फॉर अ डिफरेंशियबल फंक्शन टू बी 1 1, फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन टू बी 1 1, इट्स डेरिवेटिव should not change its sign, मतलब हमेशा पॉजिटिव रहे या हमेशा नेगेटिव रहे, उसका साइन चेंज नहीं होना चाहिए, क्लियर है। तो ये हो गया हमारा थियरी रिलेटेड टू 1 1 एंड मेनी 1 फंक्शन। जैसे एक बार एग्जांपल लिख लेता हूँ इसका, जैसे मैंने फॉर अ कंटिन्यूअस इसका डेरिवेटिव का एग्जांपल ले लेता हूँ, लेट्स से मैंने लिखा 2 + sin x, एग्जांपल तो मैंने बोला दिस इज माय fx, फाइंड वेदर दिस इज 1 1 और मेनी 1। तो यू कैन सी जब मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा काम करो इसको 2x लिख लो, मैंने लिखा दिस इज माय fx, तो मैंने लिखा f - x क्या होगा, दिस इज 2 + cos x। नाउ यू कैन सी कि ये जो वैल्यू है ये तो -1 से 1 के बीच में, इसमें मैं 2 ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 - 1, 1 से लेके 3। डेरिवेटिव की वैल्यू देख रहा हूं मैं फंक्शन की वैल्यू नहीं देख रहा हूँ 2x + sin x की। डेरिवेटिव यू कैन सी कि डेरिवेटिव का रेंज क्या 1 से 3, मतलब डेरिवेटिव क्या हमेशा पॉजिटिव है, डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है इसका मतलब फंक्शन इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, हैज दिस इज 1 1। अब हम मिक्स एग्जाम्पल करेंगे, ठीक है ना, जो भी रूल्स पढ़ा है उस सबके बेसिस पे हम मिक्स एग्जाम्पल करेंगे। तो वीडियो पॉज करो और इसको कॉपी कर लो और एक बार गो थ्रू कर लो तुम नोट्स जो भी तुमने अभी तक लिखा है थियरी रिलेट टू 1 1 एंड मेनी 1 फंक्शन, और फिर एग्जाम्पल्स तुम लोग करना तो ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अभी मत करो, पहले एक बार वीडियो रिमाइंड करके या फिर तुमने जो नोट्स में लिखा है उसको पहले एक दो बार रिवाइज कर लो, स्पेशली जो मैंने अभी 5 पॉइंट्स लिखवाए क्या क्या लिखा, चलो रिकॉल करते हैं। मैंने बोला पहला फंक्शन अगर इवन है, फ्लक्चुएटिंग है या पीरियोडिक है तो वहीं खत्म, क्वेश्चन इज क्या हो जाएगा फंक्शन इज मेनी 1। फिर मैंने बोला कि फंक्शन विथ मल्टीपल रूट्स अगर होंगे, इसका मतलब क्या है मल्टीपल रूट्स, मतलब लेट्स से x इक्वल टू अल्फा और बीटा दोनों रूट्स हैं तो दोनों पे y 0 मिल रहा है, y सेम मिल रहा है, 2x के लिए 1y मिल रहा है, मतलब फंक्शन इज मेनी 1। फिर तीसरा बताया मैंने कि इवन डिग्री पॉलीनोमियल होगा और अगर वो भी डिफाइन मैंने R में कर रखा है ऑल रियल नंबर्स, तो -∞ और +∞ पे दोनों पे वैल्यू इन्फिनिटी होगा तो कहीं ना कहीं तो बीच में मोड़ेगा कर्व, तो इवन डिग्री पॉलीनोमियल डिफाइन इन R विल बी मेनी 1। फिर मैंने बोला अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है प्लस उसके अंदर इंटरमीडिएट पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा मिनिमा है तो फंक्शन क्या होगा हमारा मेनी 1 होगा। और लास्ट बट नॉट लीस्ट फॉर 1 1 के लिए एक ही रूल लिखवाया है, क्या है कि फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है और वो अगर निरंतर इंक्रीज कर रहा है या निरंतर डिक्रीज कर रहा है, मतलब इट इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग और कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग, देन फंक्शन विल बी मेनी 1। उसी को मैंने डेरिवेटिव के टर्म्स में क्या बोला, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहा मतलब कंटिन्यूअसली इसका डेरिवेटिव पॉजिटिव है, या फिर कंटिन्यूअसली डिक्रीज कर रहा मतलब कंटिन्यूअसली उसका डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो इसको मैं क्या बोलूंगा डेरिवेटिव शुड नॉट चेंज इट साइन फॉर अ 1 1 फंक्शन, ठीक है। तो इतना काफी है थ्योरी के लिए, अब हम करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस, ठीक है, तो तुम वीडियो पॉज करो, सभी को लिख लो और सबको सॉल्व करो, हमें क्या करना है, वी हैव टू डिटरमाइन 1 1 एंड मेनी 1 फंक्शन, ठीक है। तो हम फास्ट इसका डिस्कशन लेते हैं, ठीक है, चलो। तो आई होप तुम लोगों ने वीडियो पॉज करके अपना ट्राई कर लिए होंगे, मैं स्टार्ट करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन x³ - x, तो क्या होगा ये हमारा, दिस विल बी अवर मेनी 1 फंक्शन, क्यों पहले लिख लेते हैं मेनी 1 होगा, रीजन इज मल्टीपल रूट्स, दिख रहा है x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +1, x इज इक्वल टू इवन -1 मेरा रूट्स है, क्योंकि इसको क्या लिख सकता हूँ x इंटू x² - 1, तो दिख रहा है मल्टीपल रूट्स है, सो दिस विल बी मेनी 1 फंक्शन, उधर ही तुम शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन लिख लेना, ठीक है। अब आते हैं x sin x, तो अगेन इट इज मेनी 1, क्यों, बिकॉज मल्टीपल रूट्स ना, जैसे ये कहा रूट्स मतलब क्या होता है, x की वो वैल्यू जिसके लिए एक्सप्रेशन है 0, तो 0 पे पाई पे एंड एवरीवेयर मतलब इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे ये चीज 0 है, तो विद मेनी 1 होगा, रीजन इज मल्टीपल रूट्स, तो इधर लिख लो मल्टीपल रूट्स। अब देखना साइन इनवर्स x, एक तो इसके डेरिवेटिव से ही बोल सकते हैं या फिर ग्राफिकली पता है हमें ये, तो हालांकि ये तो स्टैंडर्ड कर्व है हमारा, इसका ग्राफ पता है, तो विच इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग,
तो ग्राफिकली बोल सकते हैं इट इज वन 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 वन, ग्राफिकली बोल लो, या फिर ऐसे बोल लो इसका जो डेरिवेटिव है वाई डैश वो क्या होता है, मैंने तुम्हें उधर बताया भी था, वन माइनस एक्स स्क्वायर, बाकी डिफरेंशिएशन में हम पढ़ेंगे। तो दिख रहा है दिस इज अ पॉजिटिव, तो डेरिवेटिव इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग्स टू इट्स डोमेन हैज दिस इज कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग, मतलब इस क्या बोलेंगे हम, दिस इज वन वन फंक्शन, पढ़ा था ना, फॉर अ कंटिन्यूअस फंक्शन या फॉर अ डिफरेंशियल फंक्शन अगर डेरिवेटिव साइन चेंज नहीं कर रहा है तो फंक्शन क्या होगा मेरा, वन वन। जो मैंने पांच रूल बताया ना बस वही दिमाग में बिठाओ, सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। x प्लस एल एन एक्स सोचो क्या होगा, इसको हम दो तरीके से बोल सकते हैं, देखना मेथड वन, एक तो ये भी इंक्रीजिंग y इक्वल टू x, एल एन एक्स भी इंक्रीजिंग है, तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, ये देखा था हमने। अब इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग है, फंक्शन अगर कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग है तो क्या होता है, वन वन होता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस तो है, डोमेन क्या है आर प्लस, तो कंटिन्यूअस है प्लस इंक्रीजिंग है, हेंस इट इज वन वन, क्लियर है। एक्स स्क्वायर साइन एक्स सिंपल है, जहां भी साइन एक्स आ गया आप वन करके मनी वन, क्यों, क्योंकि मल्टीपल रूट्स, साइन क्या बोलते हैं पाई पे जीरो है, टू पाई पे, थ्री पाई, एवरीवेयर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे दिस इज जीरो, हेंस इट इज मनी वन। तो इधर रीजन भी लिखते जाना तुम लोग, मल्टीपल रूट्स, मल्टीपल रूट्स, ठीक है। टेन एक्स ग्राफ ही पता है हमें, तो ऐसे भी पीरियोडिक है तो क्या लिखेंगे, मैनी वन, क्या लिखा, पीरियोडिसिटी के कारण, पीरियोडिसिटी पीरियोडिक है। ई की पावर एक्स प्लस एक्स, तो इसको भी मैं ऐसे बोल सकता हूँ कैसे, अच्छा एक चीज और, मैंने जैसे इधर बोल रहा था मैं, तो मैं दो तरीके से, एक तो मेरा इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग, एक डेरिवेटिव से ही बोल सकता हूँ, इसका डिवाइडेड क्या होगा, एफ डैश एक्स, दिस विल बी वन प्लस वन बाय एक्स। अब कोई बोलेगा सर वन प्लस वन बाय एक्स तो नेगेटिव भी हो सकता है फॉर एक्स नेगेटिव, नहीं हम इधर डोमेन में चेक करेंगे ना, तो इधर डोमेन इज आर प्लस, फॉर आर प्लस दिस इज ग्रेटर देन जीरो, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, हेंस फंक्शन इज वन वन, ये एक्सप्लेनेशन भी करेक्ट है। उसी प्रकार इधर भी मैं बोल सकता हूँ, एक तो इंक्रीजिंग प्लस इंक्रीजिंग इज इक्वल टू इंक्रीजिंग, या फिर इसका डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स प्लस वन, एक मिनट, ई की पावर एक्स प्लस वन, नाउ यू कैन सी ई की पावर एक्स तो क्या होता है, रेंज जीरो से इन्फिनिटी, प्लस वन करूंगा तो रेंज क्या हो जाएगा, वन से इन्फिनिटी, हेंस दिस इज पॉजिटिव, दिस इज माय डेरिवेटिव एफ डैश एक्स। दोनों तरीके से बोल सकता हूँ, डेरिवेटिव हमसे पॉजिटिव है इसलिए वन वन है, इंक्रीजिंग है प्लस कंटिन्यूस है इसलिए हमारा वन वन है, तो दिस इज वन वन। अब आते हैं नेक्स्ट पे, ई की पावर एक्स माइनस एक्स, वीडियो पॉज करो एक बार दोबारा सोचो, अगर तुम्हें अभी भी मान लो तुम्हें लग रहा हो कि नहीं अब ज्यादा सीख गए तो अब वीडियो पॉज करके ट्राई करो, दिस विल बी मैनी वन, क्यों, क्योंकि इसका अगर मैंने देखो पहली बात तो इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग पे कोई कमेंट नहीं करता, मैंने उधर ही बताया था इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग भी हो सकता है डिक्रीजिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है इंक्रीज होने वाला जो फंक्शन है उसकी रेट ज्यादा है या डिक्रीज होने वाला फंक्शन है उसकी रेट ज्यादा है, तो उससे तो कमेंट नहीं कर सकता इंक्रीजिंग माइनस डिक्रीजिंग, बट डेरिवेटिव से तो कमेंट कर सकता हूँ। डेरिवेटिव क्या होगा इसका, एफ डैश एक्स मैंने निकाला तो इट विल बी ई की पावर एक्स माइनस वन। अब ये जो ई की पावर एक्स माइनस वन है ये साइन चेंज करेगा, क्योंकि देखो अगर मैंने एक्स जीरो से बड़ा लिया तब तो ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि ई की पावर जीरो क्या होगा, वन से बड़ा होगा, ई की पावर जीरो से बड़ा, वैसे तो मैं ऐसे ग्राफिकली भी देख सकते हो, ई की पावर एक्स का ग्राफ तो ये है, वाई इज इक्वल टू वन का ग्राफ ये है, तो एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए तो ई की पावर एक्स वाई इज इक्वल टू वन से बड़ा है, तो ये पॉजिटिव होगा फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, फॉर एक्स नेगेटिव ई की पावर एक्स नीचे चला गया वाई इज इक्वल टू वन के, तो ये चीज नेगेटिव हो गई, हैज डेरिवेटिव चेंजेस इट्स साइन देयरफॉर मेनी वन, क्लियर है। ये तो सिंपल मैनी वन, क्यों मैनी वन, वही रूल डायरेक्टली हमारा, फंक्शन डिफाइन इन आर इवन डिग्री पॉलिनोमियल क्या हो गया, मैनी वन हो गया, क्योंकि प्लस इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी पे क्या होगा, प्लस इंफिनिटी होगा तो कहीं ना कहीं बीच में मुड़ेगा ग्राफ, तो दिस इज मैनी वन। ई की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, अब भी क्या हो गया मेरा कंपोजिट फंक्शन, अब मैं कंपोजिट फंक्शन की पीरियडिसिटी पढ़ाया था तुमको कि एफ ऑफ जी एक्स का पीरियड क्या होता है, जो जी एक्स का पीरियड होता है, इधर जी एक्स क्या है मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का पीरियड क्या होता है वन, सो दिस इज मैनी वन, किसके कारण, पीरियोडिसिटी के कारण, सिंस इट इज पीरियोडिक देयरफॉर इट इज मैनी वन, क्लियर है बच्चों। चलो अब हम आते हैं इस क्वेश्चंस पे, अब देखना ये भी थोड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, ये वाला जो पार्ट है, पहला पार्ट मैंने ये पूछा तुमसे क्या ये पीरियोडिक है या नहीं, खुद सोचो वीडियो पॉज करके, अगर नहीं आता है तो पहले अभी की अभी तुम जो मैंने पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक फंक्शन, सॉरी पीरियोडिसिटी ऑफ कंपोजिट फंक्शन पढ़ाया था उसमें जाके देखो पहले,
क्या लिखाया था मैंने कि एफ ऑफ जी एक्स में अगर जी एक्स पीरियोडिक है तब तो हमें कुछ नहीं देखना, डायरेक्ट पीरियोडिक बोलेंगे। बट अगर मान लो एफ पीरियोडिक है और फिर हम क्या देखते थे, जी के अंदर देखते थे क्या जी लीनियर है या पीरियोडिक है। तो इधर जो मेरा जी है विच इज ई की पावर एक्स, इट इज नीदर लीनियर नॉर पीरियोडिक, हैस दिस विल बी नॉन पीरियोडिक। तो फंक्शन तो नॉन पीरियोडिक है। अच्छा एक चीज और, जैसे अब मैंने बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मैंने लिखवाया पीरियोडिक होता है तो मैनी वन हो गया, फिर वो उसका खुद से कंक्लूड कर लेते हैं कि अगर फंक्शन पीरियोडिक नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, वन वन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है, ठीक है ना, बहुत सारे फंक्शन है जो वन वन पीरियोडिक नहीं होते फिर भी वो वन वन नहीं होते। तो सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ ई की पावर एक्स पीरियोडिक तो नहीं है, बट क्या ये वन वन है या नहीं वो सोचो तुम। तो ये जो फंक्शन होगा वो हमारा मैनी वन होगा। क्यों होगा समझते हैं इसको, दिस इज मैनी वन। द रीजन इज देखो जो e की पावर x है वो तो हमेशा बढ़ता जाएगा, बट जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है बाहर वाला फंक्शन, जैसे मैंने x की वैल्यू कुछ भी डालूंगा तो जो बाहर वाला आउटपुट है वो तो मुझे 0 से 1 के बीच में देगा। मतलब कहने का मतलब मैं x की वैल्यू जब लेट से 1 डाली तो e आया, फिर मैंने e आया और e का फ्रैक्शन लेट से e तो मत डालो, चलो 1 ही डाल दिया तो e आया, तो e का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, e का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, e 3 e, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूं कि जो मेरा x की वैल्यू मैं और बढ़ा रहा हूं मान लो, तो ऐसा हो सकता है ना कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है के अंदर है वो वैल्यू तो सेम, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के अंदर वैल्यू सेम नहीं आएगी लेकिन उसके करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शनल पार्ट आउटपुट तो सेम दे ही सकता है। जैसे मैंने बोला कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ये तो पीरियोडिक होता है, तो देखो किसी x पे e की पावर x मान लो ये वैल्यू दे रहा है e की पावर x और इस पे मान लो आउटपुट ये आ रहा है लेट्स से y1, ऐसा भी है ना, ये मेरे x1 पे आ रहा है e की पावर x2 मेरा ये आ रहा है और सेम आ रहा है। समझ में आया ग्राफिकली वो क्या समझाया, तो दिस इज मैनी वन फंक्शन, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा जो भी इसके अंदर आएगा उस वो ओवरऑल इसको 0 टू 1 के बीच में लाई करवा देगा। क्लियर है, ये वाले पे आते हैं, ये क्या ऑड डिग्री पॉलीनोमियल है। तो अगेन ऐसे भी कंक्लूड नहीं करेंगे अब कि इवन डिग्री के लिए सर ने मैनी वन लिखवाया था तो ऑड के लिए वन वन, ऐसे डायरेक्टली नहीं करेंगे, क्योंकि ऑड डिग्री पॉलीनोमियल भी क्या होगा, वन वन भी हो सकता है मैनी वन भी हो सकता है। कैसे, जैसे मैंने लिखा देखो, जैसे मैंने एक ऑड डिग्री लिया ऐसे, दिस इज क्यूबिक पॉलीनोमियल, दिस इज मैनी वन, और मैं एक और ले लेता हूँ क्यूबिक पॉलीनोमियल, दिस इज अगेन क्यूबिक पॉलीनोमियल ओनली, दिस इज वन वन। तो क्यूबिक पॉलीनोमियल पे मतलब ऑड डिग्री पॉलीनोमियल पे मैं इन जनरल कमेंट नहीं करूंगा। तो फिर कैसे करें हम, तो ऐसे फिर अब हम किस पे पॉइंट कर जंप करते हैं, डेरिवेटिव वाले पार्ट में। तो इसका डेरिवेटिव चेक करते हैं क्या वो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नहीं। तो इसका डेरिवेटिव निकाला है एफ डैश एक्स, तो क्या आया मेरा 3x² + 2x + 5। अब इसका डी चेक किया तो डी कितना आया 4 - 20 × 3 विच इज नेगेटिव, डी नेगेटिव है। अगेन मैं एफ डैश एक्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, डी नेगेटिव है प्लस एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो एफ डैश एक्स क्या होगा, f dash x मतलब लेट्स से ये कोई फंक्शन है gx, gx इज क्वाड्रेटिक जिसका d नेगेटिव है, तो क्या होगा फंक्शन विल बी ऑलवेज पॉजिटिव, मतलब ये पैराबोला जो होगा वो टोटली अबव x एक्सिस होगा ना, hence f dash x इज ऑलवेज पॉजिटिव फॉर ऑल x। तो इसका मतलब क्या हुआ, f dash x अपना साइन चेंज नहीं कर रहा है, therefore it is 1 1। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इसके बेसिस पे जेई में भी आया हुआ है क्यूबिक पॉलीनोमियल, ठीक है ना, तुम्हारी शीट में भी है क्यूबिक पॉलीनोमियल के ऊपर, तो हमें उसका डेरिवेटिव चेक करना है, तो वो क्वाड्रेटिक आएगा, फिर हम क्वाड्रेटिक एनालिसिस तो कर ही सकते हैं। फिर आते हैं x माइनस एल एन एक्स, तो x माइनस एल एन एक्स के लिए चलो, तो देखो इंक्रीजिंग माइनस इंक्रीजिंग तो नहीं कर सकते कुछ, तो इसको क्या करें हम डेरिवेटिव से करते हैं, तो 1 - 1/x। नाउ अब क्या करें हम, अब हम इसका साइन देख लेते हैं, इसका डोमेन क्या है 0 से, अच्छा चलो एक काम करो ऐसे कर लो, नहीं तो y इक्वल टू 1/x का ग्राफ बनाया ये ना, y is equal to 1 का बनाया, तो you can see कभी तो y is equal to 1 ऊपर है, कभी किसी x के लिए 1 by, तो this is many one, मतलब इसका derivative क्या कर रहा है, sign change कर रहा है, hence this is many one, clear है? देखो अगर किसी में भी तुम्हें लगता है ना कि अगर सर इसका alternative है मैंने ऐसे सोचा, तो feel free to ask, ठीक है ना, तुम बिल्कुल solution बता सकते हो जो भी तुम्हारे दिमाग में आता है, बट जो मैंने बताया उतना तो कम से कम आना ही चाहिए, ठीक है ना, ऐसा नहीं है जैसे मैंने अभी एक, जैसे मैंने फॉर एग्जाम्पल इसको लिखा मल्टीपल रूट्स, तुम लोग किसी और मेथड से भी इसको many one प्रूफ कर सकते हो, बट वो 5 पॉइंट्स तुम्हारे एकदम दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, x प्लस साइन एक्स, यू कैन सी डेरिवेटिव से कर देते हैं इसको, तो चलो इसको रब कर लो, डेरिवेटिव से क्या है इसका डेरिवेटिव, f डैश x कितना आया 1 + cos x, तो यू कैन सी दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
इक्वालिटी वाला पार्ट हम आगे चल के लेंगे, उसका इंपॉर्टेंस। अभी के लिए तो मैंने ये मान लिया कि अगर ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी है तो भी मैं बोलूंगा साइन चेंज नहीं कर रहा है, जीरो है पॉजिटिव। तो क्योंकि कॉस एक्स क्या है, माइनस वन से वन के बीच में है ना, उसमें अगर वन ऐड करूंगा तो दैट विल रिमेन पॉजिटिव, हैज डेरिवेटिव इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, इट इज वन वन। अब आते हैं एक्स प्लस टू साइन एक्स पे, तो अगेन डेरिवेटिव निकाला इसका मैंने एफ डैश एक्स, तो क्या आया वन प्लस टू कॉस एक्स। नाउ यू कैन सी इसका जो साइन है वैल्यू है वो माइनस वन से वन के बीच में है, तो ओवरऑल रेंज कितनी हो गई, माइनस टू प्लस वन, माइनस वन टू प्लस वन थ्री, तो माइनस वन से थ्री हो गई एफ डैश एक्स की रेंज। मतलब एफ डैश एक्स अपना साइन चेंज कर रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, हेंस दिस इज मेनी वन फंक्शन, दिस इज मेनी वन। नेक्स्ट पे टेन इनवर्स ऑफ ई की पावर एक्स, वीडियो पॉज करो सोचो एक बार खुद से, जस्ट पॉज द वीडियो नाउ एंड थिंक अबाउट इट। ये होगा हमारा वन वन फंक्शन, क्यों, दिस इज अ कंपोनेंट फंक्शन, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग ऑफ इंक्रीजिंग क्या होता था, इंक्रीजिंग होता था, सो दिस विल बी वन वन, कंटिन्यूस तो है ही और इंक्रीजिंग भी है। अब आते हैं फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ साइन एक्स, ये तो बहुत ही आसान हो गया, पीरियोडिक है एफ ऑफ जी एक्स, वे जी एक्स इज पीरियोडिक विद पीरियड टू पाई, तो इसका ओवरऑल पीरियड क्या होगा, टू पाई, तो दिस इज मेनी वन, क्यों, क्योंकि पीरियोडिक है। दिस इज इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग, तो अगेन अगर तुमने अभी तक ट्राई नहीं किया हो तो वीडियो पॉज करो, इसको ट्राई करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ना। मैं इसका एक्सप्लेनेशन लेता हूँ, मैं क्या करता हूँ, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, स्पेस क्रिएट करता हूँ, उधर एक्सप्लेन करता हूँ। तो आई एम रबिंग दिस पार्ट, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। देखना क्या बोला मैंने, साइन ऑफ ई की पावर माइनस एक्स, पहला क्वेश्चन मेरा तुमसे, क्या ये पीरियोडिक है, देखो पीरियोडिक हुआ तो वही खत्म हो जाता क्वेश्चन, पीरियोडिक है या नहीं, तो उसके लिए अगेन जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था वही चीज, f ऑफ जी एक्स में f तो पीरियोडिक है, बट क्या जी एक्स लीनियर है, नहीं, क्या जी एक्स पीरियोडिक है, नहीं, क्योंकि e की पावर माइनस पीरियोडिक नहीं होता, तो दिस इज नॉट पीरियोडिक, पहले तो ये बात होगी नॉट पीरियोडिक है, तो नॉट पीरियोडिक है तो मैं डायरेक्टली वन वन नहीं बोलूंगा कि सर पीरियोडिक होता है तो मैनी वन होता है, नॉन पीरियोडिक हो तो वन वन नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं, अपोजिट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू, ठीक है ना, तो ये नॉन पीरियोडिक तो है। अब मैं क्या बोलूं, इसको वन वन बोलूं या नहीं, उसके लिए क्या किया, इसको एनालिसिस किया, इसका एनालिसिस कैसे किया, e की पावर माइनस एक्स को देखा मैंने, e की पावर माइनस एक्स का एक मिनट ग्राफ बनाया, तो इट इज डिक्रीजिंग फंक्शन लाइक दिस। अच्छा एक काम करो, इसमें ना थोड़ा सा एक चेंज कर लो, अभी तो नहीं, इसको ऐसे लिख लो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, ऐड कर लो इसमें, उसने डोमेन को भी रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ठीक है ना, मैंने लिखा नहीं था, नहीं तो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अब बनेगा ये। मैंने बोला साइन ऑफ e की पावर माइनस एक्स फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए ये ग्राफ हुआ, तो दिस इज जीरो, दिस इज वन, तो यू कैन सी फॉर एक्स ग्रेटर देन जीरो ई की पावर माइनस एक्स क्या क्या वैल्यू दे रहा है, जीरो ओपन से, सॉरी ये वैल्यू दे रहा है जीरो ओपन से वन क्लोज। अब एक्स कुछ भी बढ़ाओ, ये जो जीरो टू वन है, देखो इसमें और इसमें अंतर क्या है, देखो मैं इन दोनों में एक्चुअली बच्चों को इन दोनों में थोड़ा सा डाउट होता है, देखना इस वाले में उस वाले में, कि सर इसमें भी जीरो टू वन हो रहा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जीरो टू वन में ना, जब मेरा साइन का जो आर्ग्यूमेंट है, ध्यान से सुनना बहुत इंटरेस्टिंग है, तो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ना ये चीज, ये जीरो टू वन हो तो रही है बट एक ही बार हो रही है, देखना इधर क्या था, ई की पावर एक्स जो है ना, एक मिनट में सही जा रहा हूं क्या, हाँ ई की पावर एक्स था वो कंटिन्यूअसली बढ़ रहा था, ठीक है, तो ये जीरो टू वन दे रहा था उसको आउटपुट बार बार फॉर एक्स इतने के लिए, फिर जीरो टू वन, फिर जीरो टू वन, ये क्या है, ये पीरियोडिक तो है, बट क्या हुआ कि जो इसका आर्ग्यूमेंट है ना उसमें साइन की पूरी साइकिल भी कवर नहीं हुई, इसमें तो क्या हुआ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की साइकिल कवर हो गई, इनफाइनाइट साइकिल्स, इसलिए वो मेनी वन बन गया, बट इसमें क्या हुआ ना, फॉर एक्स लाइन बिटवीन जीरो टू वन साइन की एक साइकिल भी कंप्लीट नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि साइन का जो अगर जीरो टू वन के लिए वन रेडियन में तो पाई बाय टू से कम है, तो ऐसा अगर ग्राफ होता है तो इतना ही ग्राफ है केवल, ये जो मैं शेड कर रहा हूं देखना, जो मैं शेड कर रहा हूं इतना ही पार्ट है, दिस इज वन जीरो से वन, तो इतना इंटरवेल के लिए। अब क्या हो रहा है बेसिकली, एक्स में कुछ भी डालो इनफाइनाइट तक, बट जो ओवरऑल साइन के अंदर जा रहा है वो क्या जा रहा है, जीरो टू वन, और एक ही बार जा रहा है, तो वो क्या करेगा, ये सारी वैल्यू एक एक बार दे देगा, तो दिख भी रहा है इसके बीच में साइन एक्स का ग्राफ क्या वन वन है, इसलिए बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये, साइन ऑफ ए की पावर माइनस एक्स, क्लियर हुआ बच्चों। चलो अब मैं आगे नेक्स्ट टू पे देख लेता हूँ, इसको रब कर देता हूँ मैं, अब देखना ये हो गया साइन हमारा 18th वाला, 19, तो ये इजी है, कैसे इजी है, इसमें क्या लिखा है, साइन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर, तो देखना इसमें क्या हो रहा है,
कि ये तो साइन है, पीरियोडिक है, अब मैं इसको एनालिसिस देख लेता हूं। तो अब मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो मैं एक्स की वैल्यू वेरी करूंगा, तो क्या करेगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, उसको हमेशा जीरो से वन के बीच में बना देगा, एक्स कुछ भी डालो जीरो टू वन हमेशा बना देगा, मतलब एक्स की कोई रेंज ऑफ वैल्यू डाली फिर मेरा आउटपुट आएगा जीरो टू वन, साइन के अंदर क्या जाएगा जीरो टू वन, फिर एक्स की कोई और रेंज ऑफ वैल्यूज के लिए अगेन जो मेरा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है उसे जीरो टू वन बना देगा, फिर वो साइन के इनपुट में जाएगा। तो साइन के अंदर क्या हो रहा है बेसिकली, जो वैल्यूज है वो बार बार आ रही है जीरो टू वन के बीच में। देखो इससे पहले वाले में डिफरेंट था, एक्चुअली मुझे इन दोनों को और कंपेयर करना चाहिए, कंपेरिजन के लिए देखना ये दोनों बहुत है, इससे तुम अच्छे समझोगे। देखो इसमें क्या हो रहा था कि जो साइन का जो आर्ग्यूमेंट है ना वो एक्स इज इक्वल टू जीरो से इन्फिनिटी के लिए साइन के अंदर जो इनपुट जा रहा था वो जीरो टू वन एक बार जा रहा था, इधर एक बार नहीं जा रहा है इनफाइनाइट बार जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो एक्स स्क्वायर है ना इसका रेंज क्या होगा जीरो टू इन्फिनिटी है, तो जीरो टू इन्फिनिटी में जो फ्रैक्शनल पार्ट है बहुत बार जीरो टू वन जीरो टू वन जीरो टू वन फ्लक्चुएट होगा, तो इनपुट जो जा रहा है साइन एक्स को साइन को वो जीरो टू वन इनफाइनाइट टाइम्स जा रहा है, इसलिए दिस इज मैनी वन। तो दिस इज मैनी वन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 18 और 19 आर वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना। और लास्ट पार्ट वेरी इजी, फ्रैक्शनल ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, तो ये तो ग्राफिकली बोल सकते हो, या फिर ग्राफिकली नहीं बोला तो डायरेक्टली जैसे एक्स इज इक्वल टू 0.5 पे 0.6 0.7 सब पे आउटपुट इज जीरो ओनली, तो इधर तो इनफाइनाइट वैल्यूज है, एक इनफाइनाइट एक्स है जिसके लिए वाई सेम मिल रहा है, ठीक है ना। या फिर ऐसे बोलो ग्राफ ग्राफ ऐसा भी होता है, इसका हॉरिजॉन्टल होता है फिर ऐसे होता है, तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन इस ग्राफ को कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रही है, इनफाइनाइट जगह। वैसे ही मैंने उधर ही बताया था इसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, जब ग्राफ बताया था इसके नंबर ऑफ रूट्स इनफाइनाइट है, क्यों इसके रूट्स क्या है, यहाँ ये ऐसा होता है ना सिनेरियो जीरो टू वन के लिए देयर इनफाइनाइट रूट्स, एंड रूट्स क्या बोलूंगा, रूट्स बिलोंग्स टू जीरो क्लोज से वन ओपन, क्लियर है। तो दिस इज मैनी, ठीक है, तो इतना काफी है, अब हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, आई होप मजा आया होगा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।